we saw the problems of agriculture that is the features and problems ab hum kya vale, which policies were introduced for the growth of agriculture so there were majorly two policies one was land reforms and the second one was green revolution now in this video we are going to cover all about land reforms starting with the first point which is policies for growth of agriculture the first point is land reforms now थोड़ा सा रिकैप लेते हैं फर्स्ट लेसन में हमने देखा था दैट वी हैड जमींदारी सिस्टम इन इंडिया प्रिवेलिंग एट दैट मोमेंट जमींदारी सिस्टम में क्या था इट वॉज द कॉलोनियल गवर्नमेंट देन जमींदार एंड देन द टर्स ऑफ सॉइल अगेन टिलर्स ऑफ सॉइल के हाथ में कुछ आता था नहीं आता था दे टू अर्न इनफ मनी तो नहीं वाई बिकॉज जमींदार्स उनसे इंटरेस्ट वसूल करते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान अब क्या हुआ हमारी गवर्नमेंट आई ठीक है इंडियन गवर्नमेंट आई इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया हमारा कॉलोनियल रूल खत्म हो गया था तो सबसे पहला चेंज जो लाना था वो था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरीली रिफर टू चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अटेनिंग रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड वायबल फार्मिंग स्ट्रक्चर एट मीन्स क्या बोला जा रहा है जो लैंड होल्डिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी जमींदार्स के पास में बहुत सारी लैंड हुआ करती थी एंड देन दे यूज टू रेंट द लैंड टू द टिलर्स ऑफ सॉइल ये लैंड होल्डिंग सिस्टम चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ताकि हम क्या कर सके एक रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सके ऐसा नहीं हो कि एक ही बंदे के पास में बहुत सारी लैंड है और बाकी के बंदों के पास में लैंड है ही नहीं ठीक है तो वो ग्रो किस पे करेंगे सो so, इस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए लैंड रिफॉर्म बहुत नेसेसरी देर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म इन कंट्री लाइक इंडिया विदोरिटी ऑफ इट्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इंडिया बींग एन एग्रेरियन कंट्री अगेन अगेन मैं रिपीट करती हूँ एग्रेरियन कंट्री है इसीलिए एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का इतना बड़ा पार्ट है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको तो इंडिया में लैंड होल्डिंग सिस्टम चेंज करना बहुत नेसेसरी था लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर हमारे फोर मेन गोल्स क्या थे मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ इक्विटी सेल्फ रिलायंस मेजोरिटी क्या था इक्विटी होनी चाहिए किसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां पे लैंड होल्डिंग सिस्टम पे इसलिए हम फोकस कर रहे हैं अभी ना टू मेक इम्प्रूवमेंट द फर्स्ट स्टेप विच वॉज अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज द इंडियन गवर्नमेंट टूक वेरियस स्टेप्स टू अबोलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ लैंड सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे यहाँ पे क्या था कलोनियल गवर्नमेंट देन जमींदार्स एंड देन टिलर्स ऑफ सॉइल तो जो जमींदार थे वो इंटरमीडिएटीस थे तो उनको रिमूव करना और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको वो लैंड का ओनरशिप देना वॉज द मेन एजेंडा ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एम बिहाइंड लैंड टू द टिलर लैंड टू द टिलर मीन्स क्या बोला जा रहा है फार्मर जो टिलिंग कर रहा है उसकी लैंड होनी चाहिए उसके पीछे का एम क्या था द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वॉज दैट द ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल एक्ल टू मेक इंप्रूवमेंट एंड टू इंक्रीज आउटपुट प्रोवाइडेड सफिशेंट कैपिटल वॉज मेड अवेलेबल टू डेम लेट से एन एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो आप उस अपार्टमेंट का कितना ध्यान रखोगे नल टूट गया कभी दरवाजे पे कुछ हो गया कुछ भी हो जाता है वुड यू केयर इनफ नहीं बट लेट से आपका खुद का घर है आपके घर पर लेट से प्लम्बिंग सिस्टम खराब होता है डोर पर कुछ होता है तो आप ध्यान रखोगे यू विल स्पेंड मनी यू विल में हाउस बिकॉज इट इज़ योर ओन हाउस सेम कंडीशन फार्मर्स की थी अगर लैंड रेंटेड है तो दे वुड नॉट केयर इनफ टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑल्सो ओनरशिप से क्या होगा उन्हें एक मोटिव मिलेगा एंड मेक इम्प्रूवमेंट एंड देज द आउटपुट बट येस गवर्नमेंट को थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी उनको सफिशियंट कैपिटल प्रोवाइड करने में ठीक है सो द एम वॉज क्लियर नेक्स्ट इज टेन डू नॉट है ओनर ऑफ द लैंड हु बेनिफिट मोर फ्रॉम द हायर आउटपुट ओनरशिप ऑफ लैंड विल एनेबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम द इनक्रीज आउटपुट क्या बोला जा रहा है कि अगर इंसेंटिव मिलते भी थे तो टेनेंट्स को नहीं मिलते हैं. तो ये इम्प्रूवमेंट कौन करेगा जो जिसका हालत से मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट में कुछ होता है तो अपार्टमेंट को मेनटेन कौन करेगा ओनर करेगा तो यहाँ पे भी क्या था जो ओनर ऑफ द लैंड था उसको करना है इम्प्रूवमेंट लैंड पे पर वो नहीं कर रहे ठीक है और जो बेनिफिट अगर वो करते भी हैं और जो बेनिफिट होता है वो सारा बेनिफिट हमारे वो ले जाते हैं इंटरमीडियटीज ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या था अगर टेनेंट्स को ही लैंड मिलेगी तो वो इम्प्रूवमेंट करेंगे उससे जो आउटपुट इंक्रीज होगा तो उन्हीं टेनेंट्स को बेनिफिट होगा ये इंक्रीज आउटपुट का बेनिफिट भी उन्हें मिलना चाहिए सो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज बहुत ज़रूरी स्टेप था द नेक्स्ट इज जस्ट फॉर रेफरेंस योर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान टू द टिलर कैन बी जस्टिफाइड बाय द फॉलोइंग इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द फॉर्मर सोवियट यूनियन ठीक है फॉर्मर सोवियट यूनियन में एक इंसिडेंट हुआ था वो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हम द फॉर्मर्स इन द फॉर्मर सोवियट यूनियन यूज टू बी वेरी केयरलेस वाइल पैकिंग फ्रूट्स फॉर सेम क्वाइट ऑफन रॉटन फ्रूट्स व पैक बाय देम अलॉन्ग विद द फ्रेश फ्रूट्स इन द सेम बॉक्स होता है ना अगर आप रॉटन फ्रूट को फ्रेश फ्रूट के साथ में मिक्स करोगे तो क्या होगा सारा खराब हो जाएगा है ना नाउ एवरी फार्मर अवेयर दैट द द फ्रूट्स फ्रूट्स विल फ्रेश इफ दे आर पैक्ड टूगेदर सिंस फार्मर्स डिड नॉट ओन एनी लैंड एनी लैंड दे लैंडर इंजॉय द प्रॉफिट्स द लॉसेस इन द एबसेंस ऑफ ओनरशिप राइट्स देअ वॉज नो इंसेंटिव ऑन देयर पार्ट टू बी एफिशियंट दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है उनके पास में मोटिव ही नहीं है एफिशियंट होने का वो अपना काम करने आ रहे हैं गलत हो रहा है तो गलत कर रहे हैं क्यों क्योंकि उनको ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है उनको सिर्फ मिल रही है, the so कि वो अगर लैंड फार्मर की होगी तो फार्मर ध्यान देगा वैसे ही यहाँ पे अगर लेट्स से प्रॉफिट फार्मर को होता तो वो ध्यान देते तो वो रोटन फ्रूट को साथ में पैक नहीं करते द अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ब्रॉट टू हंड्रेड लैक टेनेंट्स इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट कितने टू हंड्रेड टेनेंट्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में कॉन्टेक्ट में लाया गया बिकॉज ओनरशिप राइट आए और इंटरमीडिएट जमीनदार्स को बीच में से अबॉलिश कर दिया गया नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द ओनरशिप राइट ग्रांटेड टू द द टेनेंट्स देम इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हमने देखा था फर्स्ट लेसन में क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ फूड क्रॉप्स कम हो गए यहाँ पे क्या हुआ अगेन ओनरशिप राइट्स मिल गए उनको अब उनके पास में मोटिव था कि इम्प्रूवमेंट करना है आउटपुट इंक्रीज करना है बिकॉज आउटपुट इंक्रीज होगा तो बेनिफिट किसको होगा सीधे फार्मर को होगा तो यहाँ से क्या हुआ ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर में हमारा फूड ग्रीन का क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा ठीक है ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर में किससे से अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट से However, the goal of equity was not fully served by the abolition of intermediaries because of the following reason. Still, completely abolition is not Completely, you have to intermediaries ko. Why? In some areas, the former Zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. And in some cases, tenants were evicted and Zamindars claimed to be the self cultivators. What is

और खुद को फार्मर बता के कल्टिवेटर बता के लैंड अपने नाम पे कर ली देन इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स जो जो लेबरर्स थे फार्मर्स नहीं है लेबरर्स हैं उनको हार्वेस्टिंग के लिए या उनको किसी ना किसी काम के लिए हम बुलाते हैं फार्म पे ठीक है तो लेबरर्स को कोई बेनिफिट नहीं हुआ फार्मर्स को ऑफकोर्स हुआ बट लेबरर्स को कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं हुआ अगेन क्या तीन रीजन थे लूप होल्स का यूज़ हुआ ठीक है उन्होंने क्या किया किसी ना किसी के नाम पे फैमिली में जमीन ट्रांसफर कर दी तो दे गॉट द लैंड इन टू दर ओन फैमिली नेक्स्ट क्या हुआ जमींदार खुद टेनेंट्स बन गए इविक्ट कर दिया टेनेंट्स को बीच में से और लास्ट में बोला जा रहा है कि जो लेबरर्स थे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ पूरा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट समझ में आया सबको इंटरमीडिएरीज़ में क्या किया उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि फार्मर को ओनरशिप राइट्स मिलने चाहिए तभी उसका मोटिव होगा फार्मर्स को जब ओनरशिप राइट्स मिले तो 200 हंड्रेड ,00 लैख को डायरेक्ट गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट हुआ देन क्या हुआ धीरे धीरे ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एंड लास्ट में हमने क्या देखा कि हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं थे अबॉलिश करने में और उसके रीजन्स